रेल मंत्री श्रीमान सुरेश जी, श्री मनोज जी, श्रीमान राजेंद्र जी, रेल के साथ जुड़े हुए सभी साथी, आप में से बहुत लोग होंगे जिनको शायद रात को नींद नहीं आएगी। आपके मन में सवाल होगा कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसका कारण है शायद सूरज कुंड की इस जगह के नजदीक में कहीं रेल लाइन नहीं है, इसलिए पटरी की आवाज नहीं आ रही। और आप में से अधिकतम लोग वो हैं जिनको जब तक रेल की और पटरी की आवाज नहीं आती उनको नींद नहीं आती होगी, और इसलिए कभी कभी आप जैसे लोगों के लिए कंफर्ट भी अनकंफर्ट हो जाता है। एक अनोखा प्रयास है, मेरा लंबे अरसे का अनुभव है कि अगर हम कुछ भी परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो बाहर से कितने ही विचार मिल जाए, आइडियाज मिल जाए, सुझाव मिल जाए, उसका उतना परिणाम और प्रभाव नहीं होता है जितना कि भीतर से एक आवाज उठे। आप वो लोग हैं जो जिन्होंने जिंदगी इसमें बिताई है, किसी ने 15 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल, हर मोड़ को आपने देखा हुआ है, गति कब कम हुई, गति कब बढ़ी, ये भी आपको पता है, अवसर क्या है वो भी पता है, चुनौतियां क्या है वो भी पता है, अड़चने क्या है ये भी भली भांति पता है। और इसलिए मेरे मन में विचार ये आया था कि इतनी बड़ी रेल, इतनी बड़ी ताकत, क्या कभी हम सबने मिलकर के बैठ करके सोचा है क्या कि सारी दुनिया बदल गई, सारी दुनिया की रेल बदल गई, क्या कारण है कि हम एक सीमा में बंधे हुए हैं, ज्यादातर तो स्टॉपेज कितने बढ़ाएंगे या डिब्बे कितने बढ़ाएंगे, इसी के आसपास हमारी दुनिया चली है। ठीक है, पिछली शताब्दी में ये सारी चीजें आवश्यक थी, ये शताब्दी पूरी तरह टेक्नोलॉजी के प्रभाव की शताब्दी है। विश्व में बहुत प्रयोग हुए हैं, प्रयास हुए हैं, इनोवेशंस हुए हैं, भारत ने बात समझनी होगी कि रेल ये भारत के लिए गति और प्रगति की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। देश को अगर गति चाहिए तो भी रेल से मिलेगी, देश को प्रगति चाहिए तो भी रेल से मिलेगी। लेकिन ये बात जो रेलवे में है, वे जब तक इसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक इतना बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। जो गैंगमैन होगा वो अपना काम अच्छे से करता होगा, जो स्टेशन मास्टर है वो अपना काम अच्छा करता होगा, जो रीजनल मैनेजर होगा वो इतना अच्छा काम करता होगा, लेकिन तीनों अगर टुकड़ों में अच्छा करते होंगे तो कभी परिणाम आने वाला नहीं है। और इसलिए आवश्यक ये है कि हमारा
एक मन बने, हम सब मिलकर के सोचे कि हमें देश को क्या देना है, क्या हम ऐसी रेल चलाना चाहते हैं कि हमारे जो गैंगमैन है उसका बेटा भी बड़ा होकर गैंगमैन बने। मैं इसमें बदलाव चाहता हूं, हम ऐसा माहौल क्या बनाएं कि हमारा एक गैंगमैन का बेटा भी इंजीनियर बनकर के कभी रेलवे में नया योगदान देने वाला क्यों ना बने। रेल से जुड़ा हुआ गरीब से गरीब हमारा साथी, छोटे से छोटे तबके पर काम करने वाला हमारा व्यक्ति, उसकी जिंदगी में बदलाव कैसे आए। और ये बदलाव लाने के लिए आवश्यक है रेल प्रगति करे, रेल विकास करे, रेल आर्थिक रूप से समृद्ध बने, तो उसका बेनिफिट देश को तो मिलेगा, तब मिलेगा कम से कम रेल परिवार के जो हमारे ये 10-12-13 लाख लोग हैं उनमें जो छोटे तबके के लोग हैं उनको कम से कम मिलना चाहिए। आज जिस प्रकार से हम चला रहे हैं, कभी मुझे चिंता सता रही है कि मेरे इन लाखों गरीब परिवारों का होगा क्या, छोटे छोटे लोग जो हमारे यहां काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। सबसे पहला रेल की प्रगति का बेनिफिट रेल परिवार के जो लाखों छोटे तबके के लोग हैं उनको अनुभव होगा। अगर हमारे सामने रोज काम करते हैं, रोज मर्रा के हमारी जिंदगी हमारे साथ गुजारते हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सोचेंगे, रेल बदलने के मन अपने आप हो जाएगा। देश की प्रगति का लाभ सबको मिलेगा। कभी कभार आप में से बहुत बड़े बड़े लोग होंगे जो बड़े बड़े सेमिनार में गए होंगे, ग्लोबल लेवल के कॉन्फ्रेंसेज में गए होंगे, कई नई नई बातें उन्होंने सुनी होगी, लेकिन आने के बाद वो विचार विचार रह जाता है, एक सपना देखा था ऐसा लग रहा है, आकर के फिर अपनी पुरानी व्यवस्था में धरे में हम दब जाते हैं। इस सामूहिक चिंतन से, और हर तबके के लोग हैं यहां, साथ रहने वाले हैं, 3 दिन साथ गुजारा करने वाले, ऐसा बहुत रेयर होता है, शायद पहली बार होता होगा। समूह चिंतन की बहुत बड़ी ताकत होती है, और कभी कभार अनुभवी एक छोटा व्यक्ति समस्या का ऐसा हल्का फुल्का समाधान दे देता है जो कभी बड़े बाबू को ध्यान में नहीं आ सकता है, एक बड़े व्यक्ति के ध्यान में नहीं आता है। यहां दोनों प्रकार के लोग बैठे हैं, जिसके पास अनुभव भी है और जिसके पास एक ग्लोबल एक्सपोजर पर भी है। ये दोनों लोग जब मिलते हैं तो कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं, आपकी व्यवस्था के तहत करीब 2.25 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रतिदिन आपके साथ इंटरफेस होता है, लाखों टन माल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, लेकिन हमारी गति, हमारा समय, हमारी व्यवस्थाएं, जब तक हम बदलेंगे नहीं, हम पूरे विश्व में जो बदलाव आ रहा है उसके न हम लाभार्थी बन पाएंगे न हम कंट्रीब्यूटर बन पाएंगे। इस चिंतन शिविर से क्या निकले, कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा भी आपको तय करना है, सॉल्यूशन भी आपको खोजने हैं, जो विचार उभर करके आए उसका रोड मैप भी आपको ही बनाना है, और बाहर का कोई भी व्यक्ति ये करे उससे उत्तम से उत्तम आप कर पाएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। और इसलिए यह सामूहिक चिंतन एक बहुत बड़ा सामर्थ्य देता है, सहजीवन की भी एक शक्ति है। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको अपने साथी की शक्तियों का परिचय भी नहीं होगा,
इसमें कोई आपका दोष नहीं है, हमारी कार्य की रचना ही ऐसी है कि हम अपनों को बहुत कम जानते हैं, काम को जरूर जानते हैं। यहां सहजीवन के कारण आपके अगल बगल में जो 12, 15, 25 लोग काम करते हैं, उनके भीतर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत है, ये हल्के फुल्के वातावरण में उसको आपको एहसास होगा। आपके पास कितने एबल ह्यूमन रिसोर्स हैं, जिसको कभी जाना पहचाना नहीं, साथ रहने के कारण आपको ध्यान आएगा। जब आप चर्चा करोगे खुल करके, तो आपको ध्यान में आएगा, अरे भाई ये तो पहले सिर्फ टिकट विंडो पर बैठते थे, कभी सोचा ही नहीं कि इतना सोचते होंगे, इतने पास इतने आइडियाज होंगे। कभी किसी एक को लगे, यार ये हमारे साहब को तो हम सोच रहे थे बड़े गंभीर है, डर लगता था, लेकिन नहीं नहीं वो तो बड़े ह्यूमन नेचर के हैं और उनसे तो कभी बात भी की जा सकती है। ये दीवारें ढह जाएगी और किसी भी संगठन की शक्ति उस बात में है कि जब हायरार्की की दीवारें ढह जाए, अपनापन का पारिवारिक माहौल बन जाए, आप देखते ही देखते परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ये सहजीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में परिवर्तित होने वाला है। यहां पर जिन विषयों की रचना की गई है, वो रचना भी काफी मंथन से निकली। मुझे बताया गया कि करीब 1,00,000 से अधिक लोगों ने इस पूरी विचार प्रक्रिया में कंट्रीब्यूट किया है। किसी ने पेपर लिखे हैं, किसी ने छोटे समूह में चर्चा की है, उसमें से कुछ तथ्य निकाल करके फिर ऊपर भेजा गया है, किसी ने ऑनलाइन से विचार भेजे हैं, किसी ने अपना SMS का उपयोग करके काम किया है, लेकिन नीचे से ऊपर तबके के 1,00,000 लोग रेलवे की स्थिति क्या है, संभावनाएं क्या है, सामर्थ्य क्या है, चुनौतियां क्या है, सपने क्या है, उसको अगर प्रस्तुत करता है, तो ये आप लोगों का काम है कि इतने बड़े मंथन में से मोती निकालना। 1,00,000 साथियों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी घटना है ये। लेकिन अगर हम उसमें से मोती खोजने में विफल गए, और मैंने सुना कि आप काफी बड़ी तादाद में यहां इस शिविर में हैं, आप लोग बड़ी बारीकाई से मेहनत करके कोशिश करोगे, तो उसमें से अच्छे मोती निकल आएंगे। और ये मोती जो निकलेंगे, जो अमृत मंथन से निकलेंगे, वो रेलवे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम आएंगे। पहले मेरे मन में विचार ऐसा था कि आज शाम को आपके बीच रहूं, आप सबके साथ भोजन करूं। वैसे भी मैं ज्यादा समय देने वालों में से व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा काम वाम होता नहीं है, तो बैठ लेता हूं, सुन लेता हूं सबको। लेकिन सदन चालू होने के कारण इस कार्यक्रम बना नहीं पाया, लेकिन परसों मैं आ रहा हूं। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आप सबके दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। आप सबके दर्शन करने ले आ रहा हूं, जो मंथन आप कर रहे हैं उस अमृत का आचमन करने के लिए आ रहा हूं। क्योंकि आप है तो रेल है, आप है तो भविष्य है, और आप पर मेरा भरोसा है, और इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं, मिलने के लिए आ रहा हूं। खुले माहौल में आप लोगों से मिलूंगा, वहां के बाद इस मंथन से जो निकलेगा उसको समझने का मैं प्रयास करूंगा, जो कठिनाई है उसको समझने का प्रयास करूंगा। नीतियां निर्धारित करते समय जरूर इन बातों का प्रभाव रहेगा। आपने देखा कि, और अब आपको पूरी तरह ध्यान में आया होगा कि मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। रेल बजट जो पहला आया सरकार का, तभी से आपने देखा होगा, नॉर्मली रेल बजट
का प्रमुख पहलू हुआ करता था, किस एमपी को कहां ट्रेन मिली, किस एमपी को कहां स्टॉपेज मिला, किस एमपी के लिए नया डिब्बा जुड़ गया, और पूरा रेल बजट की तालियों की गड़गड़ाहट इसी बात पर होती थी। और जब मैंने आकर के देखा कि इतनी घोषणाएं हुई है, क्या हुआ है भाई, करीब 1500 घोषणाएं ऐसी मेरे ध्यान में आई कि जो सिर्फ बजट के दिन तालियां बजाने के सिवाय किसी काम नहीं आई। ये काम मैं भी कर सकता था, मैं भी तालियां बजा करके खुशी ले सकता, वाह वाह मोदी जी ने इतना बढ़िया रेल बजट दिला दिया कि अच्छा हो गया। मैंने उस पॉलिटिकल मोह से अपने आप को मुक्त रखा है और बड़ी हिम्मत करके इस प्रकार की लोक लुभावनी बातें करने के बजाय मैंने व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करने का साहस किया है, मैंने राजनीतिक नुकसान भुगतने की हिम्मत की है। इसलिए कि मेरा पहला सपना है कि रेल में मेरा सबसे छोटा आज साथी है, जो कहीं क्रॉसिंग पे खड़ा रहता होगा, कहीं झंडी लेकर के खड़ा होता होगा, कहीं सुबह ट्रैक पर पैदल चलता होगा, क्या उसके बच्चे पढ़ लिख करके आज जो बड़े बड़े बाबू वो परिवार में देख रहे हैं, क्या वो बच्चे भी उस स्थान पर पहुंच सकते हैं क्या? और ये मेरा सपना तब पूरा होगा जब मैं रेलवे को ताकतवर बनाऊंगा, रेलवे को सामर्थ्यवान बनाऊंगा। और रेलवे सामर्थ्यवान बनेगी तो अपने आप देश को लाभ होना ही होना है। और इसलिए मेरे साथियों, तत्कालीन लाभ लेने का कोई मोह नहीं है, राजनीतिक लाभ लेने का बिल्कुल मोह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शताब्दी बदल चुकी है, रेल भी बदलनी चाहिए, 21वीं सदी के अनुकूल हमें नई रेल, नई व्यवस्था, नई गति, नया सामर्थ्य, ये सब देना है और आप लोग मिलकर के दे सकते हैं। अगर हम में से कोई पहले छोटे एकाध मकान में रहता है तो गुजारा तो करता है, लेकिन कुछ अच्छी स्थिति बनी और मान लीजिए फ्लैट में रहने गए तो फिर नए तरीके से कैसे रहना, कौन कैसे कमरे में रहेगा, बैठेंगे कहाँ पर, मेहमान आए, सब सोचना शुरू करते और हो भी जाता है, बदलाव ला देता है इंसान। पहले एक कमरे में रहते थे तो भी गुजारा करता था, लेकिन उस प्रकार से जिंदगी को एडजस्ट कर लेते थे। अगर हम सोच बदलेंगे कि हमने 21वीं सदी बदली हुई सदी में अपने आप को सेट करना है, तो फिर हम भी बदलाव शुरू कर देंगे और ये संभव है। साथियों, आप में से जितना रेल से नाता जितना रहा होगा, कम से कम मेरा नाता पुराना है, मेरा बचपन रेल की पटरी पर गुजरा है, और इसलिए मैं एक प्रकार से आपके बीच का ही हूं, रेल वाला ही हूं मैं। और उस समय मैंने बारीकी से बचपन में रेलवे को ही हर प्रकार से देखा हुआ है, क्योंकि और कुछ देखा ही नहीं था जिंदगी में, जो कुछ भी देखा रेल ही देखी, और उसके कारण मेरा बचपन मेरे साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि मैं इन चीजों को बराबर भली भांति समझता हूं। और जिस चीज से बचपन का लगाव रहा हो, उसमें बदलाव लाने का जब अवसर आता है तो आनंद कितना बड़ा होगा ये आप कल्पना कर सकते हो। रेल में बदलाव होगा, उसका आनंद जितना आपको होगा, मुझे उससे जरा भी कम नहीं होगा, क्योंकि मैं उसी परिसर से पल करके निकला हुआ हूं। आज भी मैं जब काशी जाता हूं, मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो मैं रेलवे की व्यवस्था में रात को रहने चला जाता हूं, मुझे जैसे अपनापन सा लगता है, अच्छा लगता है, वरना प्रधानमंत्री के लिए कहीं और भी व्यवस्था मिल सकती है, लेकिन मैं वो रेलवे के गेस्ट हाउस में ही जाकर के रुकता हूं, मुझे काफी अपनापन सा महसूस होता है। तो मेरा इतना नाता आप लोगों से है, और इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा है कि आइए हम
इस 3 दिन का सर्वाधिक उपयोग करें। अच्छा करने के इरादे से करें, अच्छा करने के लिए जिम्मेवारियां उठाने के साहस के साथ करें। साथियों को जोड़ने का क्या व्यवस्था हो, नई हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हो, इन सारी बातों को देख करके आप चिंतन करें। देश को चलाने के लिए, देश को गति देने के लिए, देश को प्रगति देने के लिए आपसे बढ़कर के कोई बड़ा संगठन नहीं है, कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। एक तरफ हिंदुस्तान की सारी व्यवस्थाएं और एक तरफ रेल की व्यवस्था, इतना बड़ा आपका हुजूम है, आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि समय का पूरा उपयोग हो, फोकस हो, कुछ करना निकालना इस इरादे से हो और आने वाले कल के संबंध में सोचे। कठिनाइयां बहुत हुई होगी, तकलीफ हुई होगी, अन्याय हुआ होगा, यहां पोस्टिंग होना चाहिए, वहां हो गया होगा, यहां प्रमोशन होना चाहिए, नहीं हुआ होगा, ऐसी बहुत सी बातें होगी, शिकायतें कभी नहीं होगी। लेकिन ये 3 दिन आने वाले दिनों के लिए, 125 करोड़ देशवासियों के लिए, बदले हुए विश्व में भारत का झंडा गाड़ने के लिए आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं, उत्तम परिणाम दें, यही अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, यहां पर मौजूद और बहुत सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डिवीजन में, जोन में अलग अलग तरह से आपको सुन रहे थे, उनकी सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और आपको आश्वासित करता हूं कि जिस तरह से आपने विचार रखे उसी तरह से अगले 2 दिन हम काम करेंगे और आप जब रविवार के दिन यहाँ पर आएंगे तो हम आपको उस विचारों को प्रस्तुत भी करेंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा भरे वचनों के बाद अब मैं आग्रह करूंगा रेल राज्य मंत्री श्री राजन गोहेन जी से कि वे मंच पर आएं और अपने विचार व्यक्त करें।